हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग हैं मेरे नए शो के सेट पे, मतलब मेकअप रूम में। फिलहाल ये मेरा फिक्स मेकअप रूम नहीं है, अभी चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज यू कैन सी दिस रूम इज़ लाइक क्वाइट वेरी स्मॉल, मतलब इट्स बहुत ही छोटा है एंड आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। कुछ दिन आपको कभी कभी कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, एंड देर ऑल्सो वेरी नाइस द टीम। दे हैव प्रोमिस मी कि जस्ट यू नो मैम, लाइक एक दो दिन आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए एंड देन विल मेक श्योर कि विल गिव यू अ डिफरेंट रूम, ऑब्वियसली बिगर रूम, बिकॉज हमें पूरा दिन यू नो हम सेट पे रहते हैं फिर रूम में आते हैं, तो वी नीड दैट कम्फर्ट जोन ऑल्सो, करेक्ट। सो या मैंने ना जैसे कि आप हम लोग हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना कोई वो यूज़ करती थी, क्या बोलते हैं उसको, हाथ से मेकअप कर लेती थी ना, तो मैंने कुछ खरीदे हैं, मतलब ब्रशेज वगैरह, सो आई एम गोना यूज़ इट, लेट्स सी हाउ इज़ इट। एक्चुअली पहले मुझे जैसे कि मैं हमेशा वो करती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, आई शेडो, तो पहले मैं अपना आई शेडो कर लूँ। ये तो मैं जोनी की तरह कर रही हूँ यार, जोनी पता आजकल क्या करता है। यू नो व्हाट, आज मैंने एक्चुअली ट्राई किया वो चेंज करने का, मतलब मैं जब सुबह थी ना तो थोड़ा सा मैं अलग मूड में थी, कि मेरी नींद आज मुझे हो नहीं रही थी ठीक से, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग, मैंने सोचते वक्त ऐसा हो रहा था थोड़ा सा, मेरा जो आई शेडो है वो मेरे बैग के अंदर है, सो आई हैव टू गो एंड गेट दैट, तो ठीक है। और ऐसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब है, मैंने ये वाला भी ले लिया, मेरा लाइनर ख़त्म हो रहा था, ठीक है। कुछ भी वॉश वगैरह भी कराना रहेगा तो बता दो। सो एज यू ऑल कैन सी, सबसे पहले एवरीवन सो स्वीट यार। सो ये मैंने आजमाया है, मैंने सोचा कि क्योंकि कुछ दिनों से मैं यहाँ पे आने के बाद ना मैं उतना यू नो नॉट फील दैट ग्रेट वाली फीलिंग में थी, दैट वाज द फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ माय माइंड जो मैंने सेट किया था, एंड दैट वाज डेफिनेटली नॉट राइट, है ना। उससे हम अपने आप भी परेशान होते हैं और सबको परेशान करते हैं, ऐसा मैंने किसी को परेशान नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट, वो सिर्फ कहने की बात है। लेकिन हाँ, आई वाज नॉट, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बहुत कुछ ऐसा होता था मतलब, बट मैंने कल एक दिन का मेरा ऐसे गैप था, तो मैंने इस बारे में सोचा कि इसको, मतलब क्या होता है ना, या तो आप कोई काम करो, या तो करो या तो मत करो, उसके वो जो बीच वाला जो होता है ना फेज, जहाँ पे आप बस क्रिब कर रहे होते हो कि लाइक अरे यार ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैं कैसे करूँ मैं कैसे ये करूँ, वो बिल्कुल सही नहीं है। सो बस मुझे कुछ चीज़ें मेरी सेट नहीं हो पा रही थी, बिकॉज होता है नई नई जगह पे आप जाते हो, नए सेटअप पे जाते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, इट टेक्स टाइम, कम इन, सो इट डज टेक टाइम। गुड मॉर्निंग, मुझे शायद लगता है एक बल्ब चाहिए होगा इधर, है ना, और अभी जब मेरा एक बार मेकअप हो जाएगा उसके बाद ये वाला बल्ब हटा देना, क्योंकि फिर बहुत गर्म हो जाता है, और उस पर वो लगाओगे आज? सो या अगर यही चीज़ आप मुझे फर्स्ट डे सेकेंड डे देखते ना, तो मेरा मूड थोड़ा अलग जोर में था, मैं ऐसे बात कर रही थी थोड़ा, अरे यार ये क्या है, ये भी नहीं है यार, क्या यार, आई वॉज लाइक दैट, ओके, एंड आई वॉज नॉट लाइकिंग दैट। सो और ये जो दादा अभी मेरे लिए मेकअप रूम में आके देखो ये बल्ब लगाने आए हैं, ये मुझे 3 दिन से क्या बोल रहे हैं कि अब मैं उस पर वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं, बटर पेपर, 3 दिन से रोज सुबह आकर बोलते क्या चाहिए आपको, तो बोलती हूँ कुछ नहीं मुझे, बस उस पर वो लगा दो, ओके अभी आके लगा दो, फिर सुबह से लेकर दिन, दिन से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर पैकअप, फिर अगला दिन भी हो जाता है तो भी यही बोला, अभी भी बोला तो है, अभी देखते हैं। सो या इट्स लाइक दैट, फर्स्ट 2 days आई वॉज लाइक यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बट ठीक है, आज जैसे कि मैंने कहा इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लाइक इट डज मेक अ लॉट, आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद मी, कुछ तो गड़बड़ बोला ना मैंने ग्रामर, दैट्स ओके, मिस्टेक, वी कैन डू मिस्टेक इन लाइफ, वी आर ह्यूमन, और उसमें क्या है यार, अगर कुछ, अगर हम इंग्लिश में कुछ गड़बड़ बोल देते तो सब हमें कितना वैसे देखते हैं, और वहीं हिंदी में हम कुछ करते हैं तो इट्स लाइक अ नॉर्मल, लाइक यू नो कि खुद को भी बुरा नहीं लगता कि अरे
ठीक है चलता है, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर में अगर आपने कुछ यहाँ से वहाँ कर दिया देने तो वाह, मतलब इट्स लाइक अ बिग क्राइम, लाइक मतलब सबकी नज़रें ऐसे हो जाती है। आजकल मेरी कुछ आईब्रोज ज़्यादा ऊपर नहीं हो रही अपने आप ही, एटीट्यूड आ गया क्या? नको यार, हम तो भाई देखो फिर ऊपर हो गई। सो पहले मैं हमेशा जैसे कि क्या होता है आई मेकअप में पहले ये कर लेती हूँ, इससे क्या सबसे पहले आई मेकअप जैसे कि आपको पता है करने से क्या हो जाता है कि जो भी ब्लैक या कुछ भी शेडो गिरेगा ना फेस पे, क्योंकि अभी कुछ लगाया ही नहीं है मैंने फेस पे, तो वो चला जाएगा, इट्स लाइक दैट। सो ऐसा है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे मेरी फ्रिक्वेंसी लेवल थोड़ा चेंज है, और मैं अब ना बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें करती रहूँगी अलग अलग जगह बैठ के, अलग मतलब जस्ट प्रे जस्ट विश एंड आई एम श्योर दैट्स गोना हैपन कि आई एम गोना गेट अ डिफरेंट रूम, अ बिगर रूम, अ बेटर रूम विद गुड वाइब्स। वो जहाँ मैं हुआ तो वाइब्स अच्छी होनी चाहिए ना। मतलब अच्छा अच्छा ये लगे, एंड वहाँ बैठ के आप वीडियोज़ बनाऊँगी एंड आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। ओके क्योंकि मैं अभी बहुत नई नई जगह पे हूँ, यहाँ पे मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स ऐसे कोई बने नहीं है। फ्रेंड्स तो खैर क्या होते हैं यार, हम लोग ना शूट करते हैं, हम लोगों को 12 घंटे भी शूट करते हैं, लेकिन ऐसे कोई हमारे ऐसे बनते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कभी ऐसे हमारी इंडस्ट्री में ऐसे मेरे कोई बहुत ऐसे कुछ खास फ्रेंड्स बहुत है, बट कोई खास पता नहीं, मतलब ऐसे वो शो में जब आप शो में होते हो ना, वही शो कर रहे होते हो तब तक का ज़्यादातर रहता है, बहुत कम होते हैं जो आगे तक, बट दैट इज़ ओके। हमेशा ये सोचना है अगर कभी आप मतलब कि हर इंसान एक उसके साथ आता है, हर इंसान एक टाइम के साथ आता है कि उसका इतने टाइम पीरियड तक है आपके साथ रिश्ता, दैट्स इट। सो ठीक है, आई जस्ट गेट रेडी एंड आई डोंट वेस्ट माई टाइम। ओके सो या मैं तो रेडी हूँ एंड मैं रेडी होके हमेशा की तरह थोड़ा वेट ही करती हूँ, बिकॉज मैं फटाफट 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 रेडी हो जाती हूँ। सो या सो दैट्स इट, एंड बाकी की स्टोरीज तो मैं आपको अपनी अपनी कहानी बताती हूँ, एंड आई होप माई मेकअप इज लुकिंग गुड। नहीं मेरा वही वाला मेकअप है जो मैं हमेशा करती हूँ।